बुंदेलखंड के झांसी से चली जन विश्वास यात्रा का कल महोबा विधानसभा में भव्य स्वागत किया गया। महोबा में ऐतिहासिक कीरत सागर सरोवर से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा का शहर के उदल चौक, आल्हा चौक, परमानंद चौक पर स्वागत किया गया। जन विश्वास यात्रा के दौरान कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के छापेमारी वाले बयान पर पलटवार किया। के माध्यम से जनता के बीच में ये जन संदेश भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के प्रति श्रद्धा और जागरूकता जागी है, इसलिए आगे 2022 के चुनाव में निश्चित जनता ने ये विश्वास के साथ ये विश्वास दिला दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और पिछले 325 सीटें देकर के आशीर्वाद दिया था, अब की बार 350 के पार जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। श्रीनगर के चौक पर तिरंगा फहराने का कोई काम करता है मित्रों, नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारने का कोई काम करता है 70 साल मित्रों, तो 70 साल बाद आई आदरणीय योगी जी मोदी जी। मैं आपके बीच में आशीर्वाद ले आया हूं। हाथी पर कमर बैठ के कभी हाथी पर लक्ष्मी बैठ के नहीं आती मित्रों, साइकिल पर भी लक्ष्मी बैठ के नहीं आती है और आपके कंधे पर भी लक्ष्मी बैठ के नहीं आती है, लक्ष्मी तो कमल के फूल पर बैठ कर आती है। राज्य को मजबूत करो आदरणीय मोदी योगी को मजबूत करो मित्रों, में विश्वास दिलाता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ मित्रों, सभी गरीब का पक्का मकान होगा, शिक्षा फ्री होगी, गरीब बेटियों का शादी काम करने का काम योगी जी करेंगे, चिकित्सा फ्री होगी, शिक्षा फ्री होगी, सब काम होगा मित्रों।